स्टॉक की करते हैं शुरुआत 2019 पिक्स। बताइए अनिल जी, एक तो आपने ना बहुत ही मुश्किल चीज मुझसे पूछी है, क्योंकि एक तो स्टॉक तीन चार हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता, एक तो मैं कभी करता भी नहीं हूँ। दूसरी चीज, मेरे को हेजिंग भी जरूर चाहिए होती है, अगर चार लेने हैं तो दो बेचने भी हैं, बिना बेचे तो हमारी पिक नहीं होती। मैं तो आपसे वो इलेक्शन प्रूफ, जब आपने प्लान प्रोग्राम कर रहे थे तो इलेक्शन प्रूफ सेल भी प्रोग्राम चाहता था आप करें, कि इलेक्शन प्रूफ सेल भी होते हैं, कि आउटकम कुछ भी हो। सो अनिल जी देखिए, हम बात 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 करते हैं, अगर जैसे आपने येस बैंक का बोला, ऐसी फाइनेंशियल सेक्टर, यू लव इट और हेट इट, यू कांट अवॉइड इट, और जितनी उथल पुथल हुई है इस सेक्टर के अंदर, चाहे वो पीएसयू बैंक्स में हो, प्राइवेट बैंक्स में रिस्पेक्टिव न्यूज हो, एनबीएफसीज में हो, आप इस सेक्टर के बिना अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इस कंट्री में होनी है और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़नी है, जीडीपी बढ़नी है, तो आप इनसे इनसे दूर नहीं रह सकते। ये एक बिगेस्ट पार्टिसिपेंट है, तो इसमें हम हमारे को वही जो मैं बार बार बोलता हूँ, बॉयज एंड मैन के डिफरेंस में कोई स्टॉक ढूंढना है। पहली बात तो जितना मर्जी कुछ हो जाए, मुझे पीएसयू बैंक नहीं लेना। पीएसयू बैंक तो अनिल जी, मैं महाभारत के भी एग्जाम्पल देता हूँ ना, कई बार वो अप्सरा है। तो मतलब आपको विश्वामित्र बन के रहना है, जितना मर्जी वो आपको टेम्पटेशन दे, वो कंट्रोल करके रखनी है। ऐसी पुट बेचने के लिए भी मैं कहता हूँ कि पुट का प्रीमियम देख के कितनी बार टेम्पटेशन होती है, लेकिन उसमें आना, उसमें फंसना नहीं है। तो आपका पेटेंट हो गया डायलॉग, पुट को डिमेट करवा लो। तो अनिल जी, मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक में, मैंने बीच में भी दिया और इंटरमिटेंटली भी दे रहा हूँ, कोटक बैंक। कोटक बैंक अगर एक पिक हो, वैसे तो बहुत कई मल्टीपल पिक्स होनी चाहिए, एक पे पूरा नहीं करना चाहिए, और मैं इस तरह से बोल रहा हूँ तो बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो मैं उनको कैवेट दे दूं, ये शॉर्ट टर्म बिल्कुल नहीं है, दो दिन के लिए नहीं है, दो घंटे के लिए नहीं है, ये पोजिशनल मेरी बाय है। इसमें कुछ ना कुछ अच्छा रहेगा, और जितनी कॉन्ट्रोवर्सी इसके साथ हो रही है अनिल जी, वो जो जो कोर्ट केस भी चल रहा है, और जिस तरह का वो जो एक बहुत ही इनोवेटिव प्लान मिस्टर उदय कोटक ने दिया है, वो फेल हो, पास हो, कुछ भी हो, ये ऊपर नीचे के झटकों में जब भी झटके आएंगे, नीचे में लेके इसको पोजिशनल रॉन्ग रखना चाहिए। 1400 से लेके 1700 तक का मेरा टारगेट है कोटक बैंक का। सो अगर आपको मार्केट में रहना है और आपको बिल्कुल फेथ है कि इकोनॉमी अच्छा करेगी और हम ऊपर जाएंगे, तो अगर फाइनेंशियल्स में एक स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट, मैं बार बार बोलता हूँ कि पोटेंशियल कैंडिडेट टू बिकम एचडीएफसी बैंक इज कोटक बैंक, और इसको आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। ओके।